ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। खास करके गर्भवती महिलाओं को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के समय हर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने में जुटा होता है। कहा जाता है इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। इन दिनों पितृ धरती पर अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अपने वंशजों के बीच में होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इन पितरों के साथ में कुछ बुरी शक्तियाँ भी धरती पर आती हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए कहा जाता है इन शक्तियों से बचने के लिए खास करके गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। गर्भवती महिलाओं पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो इसका सीधा प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं श्राद्ध के दिनों में प्रेग्नेंट महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में प्रेग्नेंट महिलाओं को परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर घर से बाहर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ आप पर प्रभावित हो सकती हैं और इसका असर बच्चे पर और माँ पर दोनों पर पड़ सकता है। खास करके इस दिन अपने पूर्वजों का आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके शिशु को आशीर्वाद देने की बजाय इसके प्रभाव, गलत प्रभाव आप पर पड़ सकता है, आपके बच्चे पर पड़ सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि पितृपक्ष के दौरान आपके पितर आपसे नाराज हो। लेकिन यदि पितृपक्ष का समय नहीं भी है तब भी गर्भवती महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से संस्कार लेकर आता है। तो इसलिए महिलाओं को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उनका असर उनके बच्चों पर पड़े। साथ ही पितृपक्ष में गर्भवती महिलाओं को किसी भी ब्राह्मण को या कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को श्राप तो आपको लगेगा ही, साथ ही ब्राह्मणों का श्राप भी आपको मिलेगा। आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को शमशान घाट के पास जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है इस समय पूर्वजों के साथ बुरी शक्तियाँ भी धरती पर होती है और इनकी छाया यदि माँ पर या बच्चे पर पड़ती है तो इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपके बच्चे को इसकी परेशानी झेलनी पड़ सकती है या आपका मिस कैरेज हो सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो कहीं भी ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। कहा जाता है जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं या घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं तो अपने पास लहसुन या प्याज रखकर ज़रूर निकलना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को एकांत वाले स्थान घने जंगल में घूमना नहीं चाहिए या वहाँ पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं और जब वो चीज़ें आपको अकेला देखती हैं तो वो आप पर हावी होने की कोशिश करती हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मांसाहारी भोजन करने से बचना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, इसका गलत प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो इन दिनों आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, साथ ही आपको पितरों की नाराजगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। शास्त्र की माने तो पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को गाय को, कुत्ते को, कौवे को मारने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो इन दिनों में आपको कुत्ते, गाय और कौवे के लिए भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला किसी दौरान किसी जीव को मारती है या सताती है तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, उसको पितृदोष लग सकता है और इसकी समस्याएं आपके बच्चे पर भारी पड़ सकती है या इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को ये छोटी छोटी सी गलतियाँ करने से बचनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए।